आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर आ रही है। कृषि संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक में नहीं पहुंचे सांसद। किसानों की आमदनी दुगुनी करने पर होनी थी चर्चा, कोरम पूरा ना होने के कारण नहीं हो सकी है बैठक और अध्यक्ष समेत केवल 6 सांसद ही यहां पर पहुंचे। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जी अखिलेश, जरा बताइए विस्तार से इस जानकारी के बारे में। काफी अहम लग रहा है ये बैठक जो मुलाकात होने वाली थी जिसमें सांसद नहीं पहुंचे सब। देखिए, जो दोहरे मापदंड हैं वो साफ तौर पर दिखाई दिए। एक तरफ तो बड़ा शोर शराबा होता है, किसानों की तमाम तरह की समस्याएं हैं, सरकार ये नहीं करती है, सरकार को ये करना चाहिए, किसानों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो उसमें कितनी सीरियसली इसको लिया जाता है। कुल 29 सांसद इसके सदस्य हैं और कम से कम 10 सांसदों का मौजूद रहना जरूरी है कोरम पूरा करने के लिए, लेकिन चूंकि केवल 6 सांसद पहुंचे थे इसलिए इस बैठक को नहीं हो सकी। जो विषय था वो ये बैठक था कि अगले साल तक जो है किसानों की आमदनी को दोगुना करना और इसके लिए कृषि के और जो कृषि कल्याण किसान कल्याण जो डिपार्टमेंट है उनके सुझाव लेने थे, लेकिन अधिकारी पहुंचे, सब लोग पहुंचे, लेकिन सांसद नहीं पहुंचे, इस कारण ये बैठक नहीं हो पाई। जिस तरह से विपक्ष ने बॉयकॉट किया है, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो क्या पता अपना विरोध जताने के लिए ये सांसद नहीं पहुंचे होंगे आज। नहीं, इस बात की संभावना कम लगती है क्योंकि जो विरोध था वो संविधान दिवस को लेकर के तो 2015 से ही चला आ रहा है, लेकिन जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं उसमें अमूमन जो है वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके चर्चा होती है, उस पर पार्टी लाइन के हिसाब से काम नहीं होता है। जो 6 सांसद आए हैं उनमें भी कई जो है विपक्ष के सांसद हैं, तो ऐसा नहीं था कि कोई बहिष्कार किया गया हो, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, गंभीरता से नहीं लिया जाता है, यही आज का इसका संदेश दिया गया है। और जहां तक इस तरह की बैठकों का सवाल है, वो चाहे राज्यसभा के सभापति हो चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, कई बार सांसदों को टोक चुके हैं कि इस तरह की बैठकों में आपका रहना जरूरी है, आप इनको गंभीरता से लिया कीजिए। बिल्कुल, बहुत अहम है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इन मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश।